ऊपर निकल जाते थे, दिन कम हो गए। ये तो आप रजिस्टर तो मेंटेन करते हो? जी जी, दिखाइए रजिस्टर। देखो ये ओपीडी रजिस्टर, ओपीडी का जी डेट यहाँ नहीं जी। चलिए ये तो ठीक है जी। दवाइयाँ मेडिसिन सब अवेलेबल हैं आपके यहाँ? नहीं रुका तो नहीं। कौन कौन सी मेडिसिन? जनरल सभी दवाइयाँ बहुत कम हो गई। एंटीबायोटिक नहीं है, कफ सिरप नहीं है, कफ सिरप नहीं, एंटीबायोटिक। रोज झगड़ा होता है किस मरीजों से? आपका आपका क्या कर रहा है? सब बैठे हुए हैं, जो भी होता है वो उसको झेलना है क्योंकि आपको खरीदारी का साथ कुछ सिस्टम चेंज कर दिया है। क्या कर दिया? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो दूसरे डिपार्टमेंट से हूँ। डॉक्टर कहाँ है? देखा तो कल बीमार है इसलिए बात कर लीजिए। नहीं बात तो क्या करना है, वो है नहीं तो फिर क्या बात करेंगे? डिस्पेंसरी में डॉक्टर तो रहते हैं। सही डॉक्टर रहते हैं। कितने हैं डॉक्टर? एक तो दोनों शिफ्ट में बैठते हैं मॉर्निंग इवनिंग। दादा नगर कहते जो नई अभी की संतरी खोली गई है वहाँ आते हैं एक दिन देखते हैं। हाँ बाकी जो है कहते हैं सरकाबाद के डी डी हो रहे माता में पैसे निकालने के प्लान आता था जाते हैं। तो वहाँ भी बैठते हो जी? और कहते हैं हाई कोर्ट के केसेस भी देख रहे हैं। डॉक्टर किसे देख रहे हैं? क्या मतलब? कमेटी में बना दिए गए हैं, किसी आर्डर भी किया जाते हैं, मना तो नहीं किया जा सकता। जो भी आदेश डायरेक्टर साहब के होते हैं करना पड़ता है। कौन डायरेक्टर? डायरेक्टर साहब अभी तक जो चेंज हो गए रिजवी साहब थे, रिजवी थे, प्रेम प्रकाश पाल जी आए। प्रेम प्रकाश पाल कहाँ से हैं? लखनऊ से। तो आपके इस एरिया में कहाँ कहाँ के पेशेंट्स आते हैं? दादा नगर है, पनकी इंडस्ट्री एरिया है, तो मतलब 80-70 से लेके 100 के बीच में। हाँ आपके आते हैं? मैं जब कहते दवा मेरे पास होती तो कम से कम 125-150 भी हो जाती है। तो कुछ पेशेंट्स को वापस भी करना पड़ता है? नहीं, जो दवा इसलिए नहीं है, मान लो भी आए बोले कल हमको खांसी का सिरप चाहिए तो फिर मैं इनको रिफर करने के लिए कहते सजेस्ट करते तो भाई हमारे पास नहीं है, हो सकता है पांडव नगर में आपको मिल जाए, आपको सुविधा है आगे जाने की, आप आगे जाइए। और अगर ये दवाइयाँ नहीं हैं जी तो ये उसके लिए रीइंबर्समेंट के लिए बिल नहीं लेते आप? नहीं, नहीं जो कहते हैं पांडव वाले जैसे मैंने उनको रिफर किया वहाँ भी दवा नहीं है, तब वो कहते हैं दूसरी जगह कहते हैं प्राइवेट व्यक्ति होम में अगर कहते हैं अरेस्ट करते हैं तो उसका बिल लगाएंगे, उसका पेमेंट होगा। प्राइवेट नर्सिंग होम में तो इलाज के लिए भेजेंगे ना, दवाइयों के लिए थोड़ी भेजेंगे। जो दवा लगेगी वहाँ ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं फ्री में दवा दे देंगे, दवा तो इन्हीं को खरीदनी है। जो ये बिल लेके आएंगे और वो डॉक्टर वेरीफाई करेगा और इमरजेंसी बुक कहते हैं वो देगा, कहते हैं सर्टिफिकेट जिनको इमरजेंसी थी करना पड़ा उसका पेमेंट होता है अपने आप। कितने दिन पेमेंट छोड़ते हैं? अब तो इधर तो बाबू हमारे यहाँ ख़त्म हो गए बेचारे, तो इधर तो कहते हैं बाबू था वो इस बार हो गया सर। अच्छा मेरे को उनको अभी अभी कितने दिन का बिल बाकी? कम से कम हमारे यहाँ पेंडिंग होगी जो 4 महीने 2 महीने से जो कम बीमार है ना, 2 महीने से पीजीआई भर्ती था ब्रेन ट्यूमर उसका सक नहीं है, 2-3 महीने का ही पेंडिंग जी। हाँ बाकी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, उससे कमी होगा ज़्यादा नहीं होगा। फिर तो ठीक है, उतना तो चलता है, 1-2 महीना तो ठीक है। वो जब भी सब भर्ती हो गया तो पीजीआई ठीक है, कोई आदमी 14 तारीख में हो गया तो अच्छा।
कहाँ खत्म हो गया डिस्पेंसरी, मतलब इतनी दूर डॉक्टर कहाँ बैठते हैं।